हमारी ये सरकार से अपील कि हमारे चाचू तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनके बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ सोचे। और ये ट्रैफिक पुलिस भी थोड़ा ध्यान दे, जो एकदम से एक्सीडेंट होते हैं क्यों हो रहे हैं, किसकी लापरवाही है, इसका मतलब पैदल जाने वालों को भी डर है आजकल। हमारी ये अपील है कि उनके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर सोचे सरकार। मेरे चाचू तीनों बच्चे पड़े हुए हैं सर, मुझे खुद नहीं पता, इधर आके मुझे पता चला कि बस वाले ने एकदम से उनको कुचल ही दिया। हमारी यही सरकार से अपील है, कम से कम थोड़ा ट्रैफिक पुलिस भी ध्यान दे, ताकि जो दिन ब दिन एक्सीडेंट एकदम से बढ़े जा रहे हैं, इससे तो सबको डर है। हमारी यही मांग है कि उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जानी चाहिए, पूरा प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने ऐसा किया। आज हमारे चाचू के साथ किया, कल किसी और के साथ भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर सबको डर है कि बस वालियों के साथ। सर अभी मुझे कुछ नहीं पता कि पुलिस की कहाँ इन्वेस्टिगेशन कहाँ क्या पहुँचा है। हमारी यही मांग है सबसे पहले उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। अगर आज इनको ऐसे छोड़ दिया जाए, कल वो ऐसे ही एक दूसरे किसी और को भी बताया जा रहा कि जब शायद ड्राइवर भाग गया था गाड़ी से। सॉरी मैम, मैं खुद अभी अभी आया हूँ तो मुझे पूरा नहीं पता कि पुलिस वालों ने क्या इन्वेस्टिगेशन की, क्या केस है। गाड़ी को तो हमने पता किया कि गाड़ी उन्होंने पकड़ लिया पुलिस। इतना घर वालों से सुनने में आया है कि बस वाले ने उनको कुचल दिया एकदम से, उनका पूरा एक हिस्सा ही पूरा कुचल दिया। अगर आज इन्होंने पुलिस वालों ने एक्शन लिया तो कल किसी और को भी वो कर देंगे। हमारी यही मांग है कि पुलिस वाले उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।